हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल से एक शर्मनाक खबर सामने आ रही, जहां भ्रूण के मांस के लालच में एक गर्भवती जंगली भैंस की हत्या कर दी गई। ये वही हुआ जहां कुछ महीने पहले गर्भवती हथिनी की भी हत्या का मामला सामने आया था। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें केरल के मल्लापुरम की हैं, जहां इंसानियत शर्मसार हो गई। पहली तस्वीर में आपके सामने एक गर्भवती जंगली भैंस है, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। दूसरी तस्वीर में वो आरोपी है जिस पर जंगली भैंस की क्रूरता से हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि जंगली भैंस के पेट में पल रहे बच्चे का मांस खाने के लिए धारदार हथियारों से जंगली भैंस की हत्या कर दी गई। केरल के मल्लापुरम से ही आई इन तस्वीरों को याद कीजिए। इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये तस्वीरें गवाती उस हैवानियत की, जिसमें एक गर्भवती हथनी को फल में भरकर विस्फोटक खिला दिया गया, जो पेट में फट गए और हथनी तड़प तड़प कर मर गई। 10 अगस्त को हुई वारदात के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों के घर से करीब 25 किलो मांस जब्त किया। बाइसन विलुप्त हो रहे जानवरों की सूची में, लिहाजा आरोपियों के खिलाफ वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मल्लापुरम में पहले गर्भवती हथनी और उसी मल्लापुरम में कुछ दिन बाद ही गर्भवती जंगली भैंस का शिकार। ये तस्वीरें हमारे विकास और सभ्य होने पर सवाल खड़े करती हैं। सोचिए, इंसान ने अपने इंसान होने की सारे दायरे पार कर दिए, खुद को जानवर कहलाने लायक भी नहीं छोड़ा। एक भैंस के भ्रूण के लिए यह सब कुछ किया गया है। इसीलिए आज ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है नमस्ते भारत में, क्योंकि पशु पक्षियों को क्रूरता से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यक्ति जैसा दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई करने वाला है। पीपल्स चैरिटी ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के मांग पर कोर्ट पशु पक्षियों को व्यक्ति जैसा दर्जा देने के साथ ही देश के सभी नागरिकों को उनका अभिभावक घोषित करे। इसको लेकर याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन ये खबर अपने आप में इंसान के जानवर बनने से ज्यादा नहीं तो और क्या है? इसमें मांग की गई है कि जानवर की हत्या पर आईपीसी की धारा 429 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जंगली जानवर मारने पर 1 से 5 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों किए जाएं। जानवर की हत्या पर अवैध शिकार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाए। तो इस तरह के कानून, अवैध शिकार पर 3 से 7 साल की जेल, कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना, इस तरह के कड़े कानून के बाद ही इस तरह के अवैध शिकार पर और खासतौर पर गैर मानवीय कृत्यों पर रोक लगाई जा सकती है। केरल के मल्लापुरम में जानवर कैसे बन गया इंसान? केरल का ये वही मल्लापुरम है जहां 1.5 महीने पहले एक गर्भवती हथिनी को कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पूरा देश उससे हिला था, पूरे देश ने उस हथिनी से संवेदनाएं खुद को जोड़ी थी और कहा था कि ऐसे आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन सबक क्या, नजीर क्या पेश हो पाई समाज के आगे? लेकिन अब मांग की जा रही है कि अब जानवर की हत्या पर भी इंसानी हत्या जैसी कड़ी कार्रवाई और कड़े कानून बनाए जाएं।